फ्राइड राइस के लिए जो जो लगने वाला है वो है कैरेट यानी गाजर, शिमला मिर्च कैप्सिकम और बीन्स, हरी मिर्च, और लगेगा नमक, चीनी, काजू, किशमिश, घी, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, शाह मरीच और काली मिर्च का पाउडर। और ये लग रहा है फ्राइड राइस का चावल जो मैंने एक घंटा के लिए भिगो के रखा था पानी में। और दूसरी तरफ हमने चावल के लिए पानी गरम करना स्टार्ट कर दिए है। मैंने ले लिया है पैन में तेल। अब धीरे धीरे करके सारी सब्जियां इसमें फ्राई करेंगे हम। सबसे पहले गाजर को करना पड़ता है क्योंकि ये हार्ड होता है। इसके बाद दे देंगे हम बीन्स। अब आखिरी में दे देंगे शिमला मिर्च और हरी मिर्च। और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और दूसरी तरफ दे देंगे मसाले चावल में। चावल के पानी में मसाले दे देंगे और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, 1 टेबल स्पून नमक, और इसको ढक देंगे। फ्राई में हम दे देंगे नमक। नमक स्वाद अनुसार दे दीजिएगा। अभी दे देंगे काजू और किशमिश। डालेंगे इसको अच्छे से। और अभी दे देंगे चीनी। अब जो मसाला था वो दे देंगे थोड़ा सा। तो अब ये फ्राई कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं राइस की तरफ। पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें दे दूंगी चावल। चावल को सावधानी से डालना होगा क्योंकि पानी बहुत गर्म है। फिर से इसको ढक के रखेंगे जब तक ना ये रेडी हो जाता है। देख लीजिए चावल रेडी हो चुका है अगले प्रोसेस के लिए। अब इस फ्राई के साथ हम राइस मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से राइस को मिलाना चाहिए। अब इसमें दे देंगे थोड़ा सा घी और थोड़ा सा ये मसाला। ये फ्राइड राइस रेडी हो चुका है। हम इसको अभी सर्व करेंगे। देख लीजिए मेरा फ्राइड राइस रेडी हो चुका है। खाने में बहुत टेस्टी है ये। ये वाला रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।